Good morning, fifth classes students. How are you? This is your book. Here is the syllabus given. You can see the first chapter is compound words. So, students, we will read about this chapter. The first chapter is compound words. Compound words is formed by joining two words together. Example, I plus pro, यानी कि I और pro. तो आप यहाँ पे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे. Compound words जो होता है वो दो शब्दों को join करके बनता है. तो दो meaningful words, जैसे I भी एक meaningful word है और pro भी meaningful word है. तो इसको I pro को हम जब add करते हैं तो ये I pro words बना. I lake, इसी तरह से sunflower, sun एक अलग वर्ड है और फ्लावर एक अलग वर्ड है, और दोनों को जब मिलाया तो सन फ्लावर एक थर्ड वर्ड बना है. तो कोई भी दो शब्दों को जॉइन करके जब तीसरा वर्ड बनता है, थर्ड वर्ड बनता है, तो उसको हम कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं. तो इस तरह से हम समझ चुके हैं. इन दिस वे, इस तरह से द न्यू वर्ड्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स इज कॉल्ड अ कंपाउंड वर्ड्स. इट मीन्स दो शब्दों को जोड़कर जब कोई नया शब्द बनता है तो उसको हम कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं. स्टूडेंट्स, एक बार वापस ध्यान से सुनिए कि दो शब्दों को जोड़कर जब एक नया शब्द बनता है तो उसको हम कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं. सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड वर्ड्स ऑफ योर नेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक आर एस फॉलोइंग. यहाँ पे आपको कुछ और कंपाउंड वर्ड्स के एग्जांपल्स दे रखे हैं. आपको स्टूडेंट्स इनको रीड करना है, सभी कंपाउंड वर्ड्स को. जैसे लाइक एग्जांपल, सम डे, हाउस होल्ड तो हाउस और होल्ड, समथिंग तो सम और थिंग, मैजिक लैम्प मैजिक और लैम्प दो अलग वर्ड हैं, मदर लैंड में मदर और लैंड. इसी तरह से फायर क्रैकर्स, फायर फ्लाई, ये सभी वर्ड्स आपको कंपाउंड वर्ड्स रीड करने हैं और अच्छे से इनको लर्न भी करना है. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसकी एक्सरसाइज रीड करेंगे. सबसे पहले आपको मैच दे रखे हैं, इनको कंपाउंड वर्ड्स को मैच करके आपको इनको कंप्लीट करना है. जैसे ओवर तो ओवर कम, डस्क डस्क के साथ हम क्या मैच करेंगे, बीन. नेक्स्ट आपका है फायर, फायर के साथ हम क्या करेंगे, फायर क्रैकर्स. ओके, ये सारे मैचिंग आपको करने हैं. फिर उसके बाद एक्सरसाइज क्लू है आपकी, इसमें आपको दे रखा है राइट द वर्ड फ्रॉम विच दीज कंपाउंड्स हैव बीन फॉर्म्ड. आपको यहाँ पे वर्ड्स दे रखा है और इसको अलग अलग करने हैं आपको, यानी कि प्ले ग्राउंड तो प्ले और ग्राउंड, फायर बैग शीट तो बैग और शीट. नेक्स्ट आपका है वट एवर तो वट एवर. नेक्स्ट आपका वर्ड है नोटबुक तो नोट और बुक. स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान देना है कि इन वर्ड्स को आपको अलग करके लिखना है. नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. आपको यहाँ एग्जांपल्स ये वर्ड्स दे रखे हैं, आपको इनको इन फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है. आई थ्रू द बीट्स ऑफ पेपर इन द डस्ट. अब यहाँ पे डस्ट दे रखा है, इसके साथ आपको सेकंड वर्ड मिक्स करना है. तो डस्ट के साथ क्या आएगा, बीन, यानी कि आई थ्रू द बीट्स ऑफ पेपर, मैंने पेपर्स के कुछ टुकड़े डस्ट बीन में डाले. वी शैल ऑल मेक अवर क्लास, क्लास के साथ कौन सा वर्ड आना चाहिए, क्लास रूम क्लीन, यानी कि हम सबको अपना रूम क्लासरूम क्लीन रखना है. द कॉप कॉप वेब इट्स ऑन इज ऑन द वॉल, इट मीन्स दीवार पर मकड़ी के जाले हैं. तो ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स आपको यहाँ ऑप्शन में से फिल करने हैं. तो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर छोटा सा ही है, इसको पर अच्छे से रीड करना है और लर्न भी करना है. और इसकी एक्सरसाइज में आपको ओनली एक्सरसाइज टू और एक्सरसाइज थ्री. ओके, सबसे पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन नोट करनी है नोटबुक में. तो डेफिनेशन आप यहाँ से नोट कर सकते हैं नोटबुक में. पहले आपको ये डेफिनेशन नोट करनी है और उसके बाद आप ये एक्सरसाइज में ओनली एक्सरसाइज क्यू और एक्सरसाइज थ्री आपको नोटबुक में नोट करनी है. ओके, गुड बाय.